शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढता हूँ, मैं आसियाना ढूंढता हूँ। मेरे साथ भी यहाँ पर दो दीवाने हैं और ये भी एक शहर है और इन दो दीवानों के पीछे भी दो दीवाने, नाम है रोहित और विश्वास, जो ऐसे भटके नौजवानों को जो अपने आसियाने की तलाश में राह राह गुजर रहे होते हैं उन्हें एक आसियाना देने की मुहिम में लगे। ये जगह है स्टडी वर्ल्ड लाइब्रेरी। ये जगह तो छोटी है लेकिन किसी के भी आसियाने बनाने के लिए ये बहुत ही बड़ी जगह है। मेरे साथ दो इंजीनियर हैं, एक तरफ मेरे सिविल इंजीनियर हैं तो दूसरी तरफ मेरे मैकेनिकल इंजीनियर, और इन दो इंजीनियरों के बीच में मैं साहित्य का विद्यार्थी, इनके करियर के बारे में और इनके आसियाने की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ आप दोनों लोगों का द खबरदार न्यूज पर। स्वागत है आप दोनों का। आपका परिचय आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज्ञानेन्द्र धाकड़ है जी। मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ, एक मुरैना के छोटे से शहर कस्बा है कैलारस से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बीटेक किया है ट्रिपल आईटीडीएम से, एमटेक किया है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। आपका भी परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल पटेल है और मैं नरसिंहपुर ज़िले के एक छोटे से गांव जिसका नाम इमलिया है उससे बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो स्टडी रही है वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही रही है। मेरा बीटेक भी यहीं से कंप्लीट हुआ और मेरा एमटेक भी यहीं से कंप्लीट हुआ है, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप देख पा रहे हैं। और मैं भी अपना परिचय देता हूँ। नमस्कार, मैं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो हम शुरुआत करते हैं, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास क्योंकि आप लोगों ने इस आसियाने से अपने आसियाने तक का रास्ता तय कर लिया है। तो पहला तो सवाल यही है कि सिलेक्शन कहाँ पर मिला है? इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर जी। और उससे पहले आपने इंजीनियरिंग की, फिर स्टडी वर्ल्ड नाम की एक जगह पर आए। क्या महत्व रहा आपके जीवन में इस जगह का और कैसे यहाँ से इंडियन रेलवे तक का सफ़र रहा? इस जगह का बहुत महत्व रहा, मतलब यहाँ आपके जो माहौल मिला हमको, लाइब्रेरी है इमारत हम लोगों की, अपन आते थे यहीं पढ़ाई करते थे, मतलब सुबह 10 बजे आते थे, रात में 8 बजे जाते थे, यहीं पूरी जितनी भी पढ़ाई है दिन भर यहीं पढ़ाई करते थे। तो क्या जबलपुर के लोगों के लिए एक स्टडी सेंटर जो है, एक लाइब्रेरी जो है, तो वरदान साबित हो रही है आप जैसे युवाओं के लिए? जी, मैंने इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने से पहले मैं दो लाइब्रेरी और देखा हूँ, मतलब जहाँ मैंने गया था मतलब पढ़ने, तो उन दो लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद जब मैं यहाँ आया, मतलब क्या है वो डिस्टेंस में दूर पड़ रही थी, फिर मैंने यहाँ ट्राई किया, तो यदि कंपेयर किया जाए तो इस लाइब्रेरी से बेस्ट जबलपुर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ हमको ये नहीं लगता कि हम किसी और की जगह बैठे हैं, हमें ये अपनापन फील होता है, जो यहाँ के ओनर हैं, जो यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि हम बताने बैठ गए तो शायद ये इंटरव्यू से ज़्यादा समय लग जाएगा तो मतलब यहाँ के सभी लोग हैं, यहाँ जो माहौल है मतलब एक अपना सा लगता है, यहाँ एक पॉजिटिविटी है लाइब्रेरी में। और दूसरी लाइब्रेरी कंपेयर करें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, तो एक एक लगाव सा हो गया इस लाइब्रेरी से। हम भले ही हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम यहीं जबलपुर में हैं, लेकिन हम इस लाइब्रेरी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमें लगता है कि हम यहीं रहें, भले ही मन नहीं होता पढ़ने का फिर भी हम एक बार आ जाते हैं लाइब्रेरी में कि हम बैठ जाएं एक बार। एक दूसरे आसियाने की तलाश में आए थे लेकिन इसी आसियाने को अपना बना लिया। क्या बात, बना लिया। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप लोग भी इंजीनियर्स हैं, तो एक बुक्स को कितना समय दे पाते हैं एक दिन में? अगर बात करें कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं इस छोटी सी जगह पे? बहुत किताबें पढ़ती हैं, उनकी तो गिनती नहीं है, जितना पढ़ सकते उतना कमी है। टेक्निकल में भी बहुत सारी किताब है लेकिन एक लिमिटेड किताब रहती है, तुम्हारा सिलेबस फिक्स रहता है कि तुम्हें हाँ ये पढ़ना है। नॉन टेक में तो अनलिमिटेड है, जितना भी पढ़ सकते हो उतना ही कम है, मतलब जितना पढ़ोगे उतना कम है। टेक्निकल में पढ़ना पड़ता है, अब फिक्स रहती है टाइमिंग, 2 घंटे फ्लूड लगाना है, उसकी फिर प्रैक्टिस करनी है कुछ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। और एक चीज़ और जानेंगे, ये छोटी सी जगह है, लगभग 15x10 का कमरा है और इस कमरे में 55 विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं। कहते हैं जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो खटपीट होती है, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता है? वही है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, यदि घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा बेटर होता है, तो वही ये जगह है, तो यहाँ खटपट होती है लेकिन जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे में एडजस्टमेंट करते हैं वो बहुत शानदार है, मतलब उसका हम कोई बखान नहीं कर रहे हैं, आप हम बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, मतलब सपोर्टिव हैं, जो पढ़ते हैं वो भी सपोर्टिव हैं और जो इस लाइब्रेरी के ओनर है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और यहाँ पर आप लोगों को कौन सी बाहरी पुस्तकें मुहैया करवाई जाती हैं जो लाइब्रेरी की तरफ से मुहैया करवाई जाती हों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग अपने घर से लेके आते होंगे, तो
और कौन सी चीजें यहाँ, पुस्तकें कौन सी मुहैया करवाई जाती हैं? नॉन टेक की पुस्तकें मिल जाती हैं यहाँ पर, जीएस की पुस्तकें रहती हैं, जो भी जनरल नॉलेज जनरल साइंस की पुस्तकें मिल जाती है। बाकी अपना टेक्निकल है तो हम खुद ही लेके आते हैं अपनी पुस्तकें। और जो बाहर है, जब वातावरण में पर्यावरण में हम जाते हैं तो वहाँ हवा बहती है, क्या इस कमरे के अंदर फैक्ट्स बहते हैं, तथ्य बहते हैं क्या यहाँ पर, फैक्ट्स बहते हैं? बिल्कुल बहते हैं, बिल्कुल। बहुत डिस्कशन करते हैं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये क्या है कि अपन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर पाते हैं अपन दोस्तों में, जो भी नहीं आ रहा है कोई भी किसी से पूछ लेता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपन डिस्कस कर पाते हैं, अकेलापन नहीं लगता, अकेले में बोर हो जाता है ना, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, ऐसा कुछ नहीं है, अपन डिस्कस कर पाते हैं। लेकिन जब कभी कोई सवाल दिमाग में उलझन पैदा करता है तो उस उलझन को सुलझन में बदलने के लिए क्या कोशिश करते हैं आप? सबसे पहले क्या रहता है, जब हम लाइब्रेरी में आते हैं तो एक अकेले आते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम यहाँ अकेले होके पढ़ेंगे, मतलब सब दुनिया से दूर, सारी चीज़ें दूर, फ़ोन बंद करके और भी चीज़ें। लेकिन क्या होता है ना, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, अपने आप को बहुत सारे दिमाग में हर किसी के बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं, लेकिन वही है ना, जो व्यक्ति इन सवालों को साइड में रख के और पढ़ लेता है तो व्यक्ति आगे निकल जाता है। और रही जैसा आपने पूछा कि सुलझन है, उलझन है बहुत सारी दिमाग में आते हैं, तो अब उनको कैसे क्लियर करते हैं, तो सबसे अच्छे जो लोग होते हैं अपनी जिंदगी में वो होते हैं अपने मित्र, और या फिर जो, जैसे मैं सिविल का हूँ, सिविल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है, तो यदि वही लोग इसी लाइब्रेरी में है तो अपन उससे डिस्कस कर सकते हैं। और रही जिंदगी की सवालों की बात कि यार स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, फैमिली का प्रेशर है, और भी चीजें दिमाग में आती है, ऐसा नहीं क्योंकि अपन एक शांत दिमाग से बैठते हैं तो अपने सवाल बहुत सारे आते हैं, तो वही है ना कि सच्चे मित्र यदि आपके साथ हो तो इस दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं, तो वही है, उनसे अपन डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन मिलता है अपन को, एक राहत सी महसूस होती है और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मित्र बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मित्र जिंदगी में, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में हो तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देंगे तो तुम्हारे मित्र देंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मित्र बनाना चाहिए, मेरा मानना है कि वो आपको सही रास्ता और सही दिशा दिखाते हैं, वो आपके अच्छे समय बुरे समय में हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका बुरे समय जो आपके अपने वो छोड़ जाएंगे, लेकिन मित्र कभी नहीं छोड़ेगा, बहुत आगे ले जाएगा वो। और इस संस्था के जो फाउंडर हैं रोहित और विश्वास, तो अपने छात्रों पर कितना और रोहित विश्वास जता पाते? देखिए यदि माना जाए तो जब ये लाइब्रेरी ओपन हुई थी तो हम दो या तीन लोग थे, इन्होंने हमारे लिए वो किया है जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, मतलब हम पढ़ते थे रूम में पढ़ते थे, लेकिन जब ये चीज़ बनी, हम यहाँ आए, हमने यहाँ माहौल देखा, और इन लोग का जो रहता था हमारी नज़रिया यार, मोटिवेट करना, बहुत सारी बातें हैं, मतलब कभी अलग नहीं लगा कि यार ये लोग ओनर टाइप के हैं तो इनके सामने अपन को ऐसा रहना है ऐसा रहना है, कुछ भी कमी लगती थी हम उनको बोलना भी रहता था, भाई लोग कोई दिक्कत है तो हमको बताओ, तो यदि हम उनको बात बता देते तो उस चीज़ का वो सॉल्यूशन भी निकाल देते और हमको बता देते, तो ये उनकी बहुत शानदार लगी, इसकी वो तारीफ के काबिल है। और जो आज हम लोग जो है, ज्ञानेंद्र हुआ, मैं हुआ, आप देख पा रहे हैं हम कहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनका रहा योगदान, एक बिजनेस पर्पस एक अलग होता है, लेकिन वो मैं बोलना चाहूंगा इन्होंने कभी बिजनेस पर्पस से ये कभी काम नहीं किया, मतलब बेस्ट जो लाइफ का एक समय रहता है ना, बेस्ट हमने लाइब्रेरी में गुजारा इन दोनों के साथ। एक चीज और जानना चाहेंगे, आप दोनों लोग इंजीनियर हैं, आज देश की बात करते हैं तो हजारों लेखक ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके लेखक बने हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं दूसरे फील्ड जो इंजीनियरिंग इंजीनियर जो है तो हर जगह मिल जाता है, आखिर ये इंजीनियरिंग का कीड़ा है कैसा कि जो किसी भी फील्ड में घुस जाता है और जो एक मिसाल कायम कर देता है? इंजीनियर कोई एक व्यक्ति नहीं है जी, इंजीनियर एक सोच है जी, और वो सोच ऐसी है ना कि व्यक्ति को हर परिस्थिति के झेलने के लिए तैयार करती है, चाहे वो कोई सी फील्ड हो, बैंकिंग हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, आप हर कहीं इंजीनियर हो पाएंगे, आप क्यों पा सकते हैं इंजीनियर्स को, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब आदमी इंजीनियरिंग कर रहा होता है ना तो पूरे सेमेस्टर तैयारी नहीं करता, जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी करता है, और एक दिन में ही वो इतना कर लेता है कि सामने वाला बोलता है कि आदमी पूरा 6 महीने से पढ़ रहा है, जो होगा देखा देखा जाएगा, मतलब वो क्या है ना, वो उस परिस्थितियों के लिए तैयार होता है, अपने आप को तैयार कर रहा होता है, तो इसी लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है इंजीनियर कभी फेल नहीं होगा, हमेशा झेलता जाएगा और झेलता आया है। आप देश के बड़े बड़े पद पे देखिएगा, यदि आप उनका डिटेलिंग से आप पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं एक इंजीनियर रहे होंगे, मिल ही जाएंगे आपके इंजीनियर, आप बड़े किसी का भी नाम ले लो आप इंजीनियर मिलेंगे ही आपको हर फील्ड में। हमने इंजीनियरिंग को लेकर के फिल्म देखी है 3 इडियट, एक असल इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 इडियट की मूवी में कितनी समानता दिखाई देती है? समानता है, ऐसी बात नहीं है, समानता है, लेकिन
क्या होता है कि इंजीनियरिंग एक टाइम पे अभी तो फिर भी ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए थे, लोग बिना मतलब वो है नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंजीनियरिंग एक दूसरे को देख के इंजीनियरिंग चूज कर ली, तो वहाँ दिक्कतें आती थी, मतलब इंजीनियरिंग नहीं करनी थी फिर भी इंजीनियरिंग कर ली थी, उन लोगों को दिक्कतें आती थी, नहीं उसमें बहुत सही दिखाया गया है। तो क्या कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग का भौकाल है, एक तरीके से जो पेरेंट्स होता है उसके नजर में दो चीजें होती हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, तो बेटा इंजीनियर बनेगा, बायो लिया तो बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं उनके मन में कोई ना कोई दूसरी शौक होती है, कोई ना कोई दूसरा फील्ड होता है, इसलिए जैसे इंजीनियरिंग छूटती है वैसे ही वो लेखक बन जाता है, नॉवेलिस्ट बन जाता है, पोएट्री करने लगता है या फिर अपनी मनपसंद चीज की तरफ भाग जाता है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ जाते हैं, ऐसा ही होता भी है, मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग के बाद, देख ही रहे हो आप चेतन भगत जी लेखक बन गए, और भी लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुमार विश्वास कवि बन गए और एक्टर भी बने हैं, राइट, और मतलब आपके नेता भी मिलेंगे, सुशांत सिंह राजपूत थे अपने एक्टर थे, आपको नेता पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे, देखो अभी जो रेल मंत्री है वो भी इंजीनियर थे। आप दोनों ने हमसे बातचीत की और इस लाइब्रेरी के बारे में, अपने सफर के बारे में और अपनी नई मंजिल के बारे में भी बातचीत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।